हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और हमारी आज की जो वीडियो है उसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट राइटर्स और जो बुक्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। करंट अफेयर्स की तो ये वीडियो है ही, साथ साथ कुछ इम्पॉर्टेंट ओल्ड बुक्स हैं जो कि फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछनी जाती हैं। तो हम सारी ही रिसेंट लॉन्च्ड बुक्स और सारी जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाली बुक्स हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, स्पेशली फॉर NTPC एंड ग्रुप डी। सो इसको पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है वो भी लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको डेली के फ्री PDFs, ऑडियोज, ई-बुक्स सब कुछ एकदम फ्री में अवेलेबल कराया जा रहा है। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके अलावा मैथ्स का जो हैंड रिटन नोट्स का PDF है सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको अवेलेबल कराया जा रहा है, तो जाकर के आप इसको परचेस कर सकते हैं। हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार, ये जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है। सो ये जो बुक है ये लिखी गई है मारिया शरापोवा, ठीक है। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और ये कौन है, तो एक रशियन रिटायर्ड प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं, ठीक है, रशिया की हैं, और इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पुस्तक प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रिडिस्कवर्ड, तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है, तो ये लिखी गई है प्रहलाद पटेल, जो कि करंटली हमारे कल्चर मिनिस्टर और टूरिज्म मिनिस्टर हैं इंडिया की, और ये जो हैं लोकसभा मेंबर हैं फ्रॉम दमोह MP। और प्रोफेसर बीबी लाल की अगर हम बात कर लें तो ही इज़ एन इंडियन आर्कोलॉजिस्ट, जो कि डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं हमारा जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके 1968 से लेकर 1972। और ये काफ़ी सारी जो हमारी इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज रही हैं सच एज इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स की, महाभारत साइट्स की, रामायणा साइट्स की, उन सब में जो है इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, पुस्तक क्रॉनिकल्स ऑफ चेन चैम्पियंस, तो ये जो है किसके द्वारा लिखी गई है ये बुक, तो ये लिखी गई है स्मृति जुबिन ईरानी, जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, साथ ही साथ क्लॉथ मिनिस्टर भी हैं ये, ठीक है, स्मृति जुबिन ईरानी। और बात करें इस बुक की तो ये जो है कंपाइलेशन है ऑफ 25 इनोवेटिव इनिशिएटिव, जो भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं अंडर दी स्कीम, कौन सी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है, राज्य स्तर और जिला स्तर पर जो इनोवेटिव इनिशिएटिव्स लिए गए हैं 25 इनिशिएटिव्स, उनका कंपाइलेशन है ये बुक। किसने लिखी है, तो हमारी यूनियन मिनिस्टर हैं स्मृति जुबिन ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, तो इस बुक की हम बात करें किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है एस जयशंकर, यानी कि सुब्रमण्यम जयशंकर, ये जो है हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं करंटली, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और हम बात करें इस बुक की तो इट इज़ अबाउट द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जो कि 2008 से लेकर 2020 की जो पैंडमिक का जो ये सब रहा है सब कुछ इन्होंने अपनी बुक में समराइज़ किया है, बेसिकली फोकस्ड ऑन द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। तो ये बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, सुब्रमण्यम जयशंकर के द्वारा। पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस, काफ़ी ये पूछ ली भी गई है ऑलरेडी एग्जाम्स में और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछी जाएगी, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है शशि थरूर जी के द्वारा, सभी जानते होंगे इनको, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक विश्वनाथन आनंद हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, अगर आप लोगों ने भी करंट अफेयर्स फॉलो किए हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा, आंसर इज माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ, ठीक है, विश्वनाथन आनंद के द्वारा ये बुक लिखी गई है माइंड मास्टर विनिंग लेसन फॉर अ चैंपियंस लाइफ। और विश्वनाथन आनंद की हम बात कर लें तो फर्स्ट इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर हैं ये, जो कि 1988 में बने थे, इसके बाद 1991-92 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न जो है दिया गया था, और ये पहले प्राप्तकर्ता हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के। इसके बाद सन 2007 में इनको पद्म विभूषण भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक लिखी गई है,
तो ये जो बुक है इट इज़ रिटन बाय दी आर फॉर्मर आरबीआई गवर्नर मिस्टर उर्जित पटेल, ठीक है, जो कि आरबीआई के 24वें गवर्नर थे, ठीक है, सन 2016 में ये बने थे, 24वें थे, और 23वें हम बात कर लें तो कौन थे, रघुराम राजन थे, और 25वें करंटली जो सर्व कर रहे हैं वो कौन है, मिस्टर शक्तिकांत दास, ठीक है। और इस बुक की हम बात कर लें जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं, एनपीए जो होता है, बैंक जो लोन दे देती है अगर वो रिकवर नहीं हो पाता तो उसको एनपीए बोलते हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये बुक इन्होंने लिखी है। और ये पब्लिश किसके द्वारा की जा रही है, तो हार्पर कॉलिंस इंडिया, ठीक है, इतना आपको यहाँ से याद रखना है। पुस्तक कर्म योद्धा ग्रंथ किसके जीवन से प्रेरित होकर लिखी गई है, तो ये जो है लिखी गई है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, और इसका जो विमोचन है जो रिलीज़ की गई है हमारे जो होम मिनिस्टर हैं मिस्टर अमित शाह, ठीक है, इतना आपको इस बुक से याद रखना है। निम्नलिखित में से किसने हॉप ऑन एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स ये बुक लिखी है, कौन सी, हॉप ऑन माय एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स, तो ये लिखी है रस्किन बॉन्ड ने, ठीक है, ये ब्रिटिश ओरिजिन के एक हमारे इंडियन राइटर हैं, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। इनकी जो यादगार यात्राएं रही हैं उसके बारे में इन्होंने अपनी 86th एनिवर्सरी पर ये बुक रिलीज़ की है। पहली हम बात कर लें इनकी, पहला उपन्यास जो पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, तो वो है द रूम ऑन द रूफ, द रूम ऑन द रूफ, जो कि 1956 में लॉन्च हुआ था जब ये सिर्फ और सिर्फ 17 ईयर्स के थे। इनको पद्म भूषण और पद्मश्री सब कुछ दिए जा चुके हैं। एक और इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि जो बुक है रस्किन बॉन्ड की, इनमें से कौन सी बुक है, तो इसका जो आंसर है वो है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, ठीक है, ये बुक भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया है कि इनमें से कौन सी पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है, तो अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। पुस्तक लेगेसी ऑफ लर्निंग के लेखक कौन है, तो पुस्तक ऑफ लेगेसी ऑफ लर्निंग जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो आंसर है इसका सविता छाबड़ा के द्वारा, ठीक है। पुस्तक इनविंसिबल अट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर, तो ये जो बुक है इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है मिस्टर तरुण विजय, ठीक है। और मनोहर पर्रिकर की अगर हम बात कर लें तो ये जो थे फॉर्मर सीएम रह चुके हैं गोवा के, करंटली गोवा के जो सीएम हैं वो प्रमोद सावंत हैं, और मनोहर पर्रिकर के ट्रिब्यूट देते हुए जो बुक लिखी है मिस्टर तरुण विजय ने लिखी है, इनविंसिबल अट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर। नेक्स्ट देख लेते हैं, पुस्तक लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड इसके लेखक कौन है, तो आंसर है इसका संदीप शास्त्री, ठीक है, संदीप शास्त्री के द्वारा बुक लिखी गई है, लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड के लेखक हैं ये, ठीक है। और हम बात कर लें कि लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि ये इंडिया के सेकेंड प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जो हैं इंडिया के सेकेंड प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। कब से कब तक रहे हैं, तो 1964 से लेकर 66 तक रहे हैं, फिर इसके बाद उज्बेकिस्तान में प्लान क्रेश में जो ताशकंद में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी 1966 में ही, ठीक है। सो लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड इस ये बुक लिखी गई है किसके द्वारा, संदीप शास्त्री के द्वारा। हम बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तक बीइंग गांधी के लेखक कौन है, तो जो पुस्तक बीइंग गांधी है इसके लेखक हैं पारो आनंद, ठीक है, पारो आनंद के द्वारा बुक लिखी गई है बीइंग गांधी, ठीक है, रिगार्डिंग भी मतलब गांधी जी के जो उस टाइम के थॉट्स लेसन्स जो रहे हैं और आज जो हमारी सोसाइटी एक अलग ही डायरेक्शन में जा रही है, तो उन सब लेसन्स के कंपाइलेशन के लिए इन्होंने ये बुक लिखी है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक के लेखक बाबा रामदेव हैं, तो बाबा रामदेव सभी जानते होंगे जिनको पतंजलि के, तो इसके जो लेखक हैं वो मतलब ये जो बुक इनके द्वारा लिखी गई है उसका नाम है माई लाइफ माई मिशन, ठीक है, बाबा रामदेव के द्वारा माई लाइफ माई मिशन बुक लिखी गई है। पुस्तक लैकबॉक के लेखक कौन है, तो इसका जो आंसर है वो है जेके रोलिंग, और जेके रोलिंग को सभी जानते होंगे जो हैरी पॉटर जो इनका नोवेल था जिस पर मूवी बनाई गई है काफ़ी फेमस, सो ये उसी की राइटर है। अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर ये जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है मिस्टर सुशील कुमार, अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर, ठीक है, जो एडमिरल सुशील कुमार हैं फॉर्मर एडमिरल सुशील कुमार उन्होंने ये बुक लिखी है, और यहाँ कौन से प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है,
तो अटल जी की बात हो रही, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। पुस्तक में एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट, तो ये बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है भालचंद्र मुंगेघर के द्वारा। ये जो है फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं फ्रॉम राज्यसभा, ठीक है, और ये जो है एक इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं, इनके द्वारा बुक लिखी गई है माई एनकाउंटर्स इन दी पार्लियामेंट। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम, तो ये लिखी गई है किसके द्वारा, फांग फांग के द्वारा, ठीक है। जो लॉकडाउन पीरियड रहा है उसको लेकर इन्होंने ये बुक लिखी है द वुहान डायरीज। वुहान जो है सिटी है इन दी चाइना, जहाँ से कोरोना वायरस का स्प्रेडिंग कहा जाता है कि स्टार्ट हुई। पुस्तक सावरकर इकोस फ्रॉम अ फॉगटन पास्ट, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये बुक लिखी गई है मिस्टर विक्रम संपत के द्वारा। जो विनायक दामोदर सावरकर यानी कि वीडी सावरकर जिनको हम बोलते हैं, उनकी जीवनी, उनकी बायोग्राफी के बारे में ये बुक है सावरकर इकोस फ्रॉम अ फॉगटन पास्ट। किसने लिखी है, विक्रम संपत ने। आगे बढ़ते हैं, पुस्तक बैकस्टेज के लेखक कौन है, तो जो पुस्तक बैकस्टेज है इट इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स और इसके जो लेखक हैं वो कौन है, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पुस्तक शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, नाम से ही पता चल रहा है किसके रिगार्डिंग स्टोरी है, पीवी सिंधु जो कि इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है, और ये लिखी गई है किसके द्वारा, वी कृष्णा स्वामी के द्वारा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, पुस्तक शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, तो ये जो बुक है ये लिखी है किसके द्वारा, गिरीश कुबेर के द्वारा, ठीक है। गिरीश कुबेर जो हैं एक मराठी पत्रकार हैं और सन 2010 से जो हैं ये लोकसत्ता के प्रबंध निदेशक भी हैं। शिवाजी इन द साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर्स हु नेवर केम बैक, ये जो बुक है इसके लेखक कौन है, तो इसका जो सही आंसर है वो है चंद्रसुता डोंगरा, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। और हम बात करें 1965 और 1971 जो इंडो पाक वॉर हैं उसमें जो मिसिंग इंडियन सोल्जर्स हैं उनके रिगार्डिंग ये बुक लिखी गई है। क्या नाम है बुक का, मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर्स हु नेवर केम बैक, किसने लिखी, चंद्रसुता डोंगरा ने। अब मैंने कमेंट्स पढ़े थे कि आप लोग बोलते हैं मैम बार बार एक ही क्वेश्चन को आप रीड करते हो, वो बस इसीलिए कि आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े या लिखने की भी ज़रूरत ना पड़े। आप एक बार देखिए तो मैं चाहती हूँ मैं उस वे में रिपीट कर दूँ कि आपको प्रॉपरली सारा कुछ एक ही बार में याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉकडाउन लेसन्स, ये जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है शोभा डे के द्वारा, ठीक है। नाम से ही समझ में आ रहा है जो लॉकडाउन पीरियड रहा रिगार्डिंग टू डेट। मसीहा मोदी अ टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ये जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखा है तवलीन सिंह के द्वारा। और तवलीन सिंह कौन है, तो ये जो है एक पॉलिटिकल रिपोर्टर और राइटर हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, आर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, ये जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है दलाई लामा, ठीक है। जो दलाई लामा, क्या नाम है इनका, फ्रांच ऑल्ट, ठीक है, नाम भी याद रख लीजिए अगर नाम आ जाता है तो, फ्रांच ऑल्ट जो कि तिब्बती आध्यात्मिक नेता हैं दलाई लामा, उनके द्वारा आर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड ये लिखी गई है। इनका कहना मतलब इस बुक में इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि हम जितने भी बड़े बड़े एक्शंस फॉर द सोसाइटी और फॉर द डेवलपिंग नेशंस के लिए लिए जा रहे हैं, साथ ही साथ हमें क्लाइमेट को भी ध्यान में रखना चाहिए। ग्रीन लाइट्स, ये जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है मैथ्यू मैकेगो नागी, ठीक है। और ये कौन है, तो एक अमेरिकन एक्टर और प्रोड्यूसर है। देखिए जिन बुक्स में नेसेसरी है कि आपको डिटेल्स बतानी है मैंने वहीं बताई हैं, अदरवाइज जहां डिटेल्स नेसेसरी नहीं है तो हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज फिर वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो जाता है। अगर कहीं लगता है कि इस क्वेश्चन से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं तो मैंने वहाँ पर सारे फैक्ट्स आपको डिस्कस करके अच्छे से बताए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे द अनक्वाइट रिवर अ बायोग्राफी ऑफ ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। अनक्वाइट रिवर अ बायोग्राफी ऑफ ब्रह्मपुत्रा, ये जो बुक है ये लिखी गई है अरूप ज्योति साकिया के द्वारा। ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं,
बेसिकली ज्योग्राफी में मैंने आपको बहुत बार बताया, तिब्बत से चाइना में ये ओरिजिन होती है, जहाँ पे उसको यारलांग सांगपो बोला जाता है। इंडिया में एंटर करती है बाय द अरुणाचल प्रदेश, वहाँ इसको दिहांग बोला जाता है। देन इट एंटर्स इनटू द असम, जहाँ पर इसको ओरिजिनली ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। आफ्टर दैट बांग्लादेश में एंटर करने के बाद इसको जमुना बोला जाता है। फिर इसका जो कन्फ्लुएंस होता है वो होता है गंगा, जहाँ उसको पद्मा बोला जाता है। और पद्मा और जमुना का जो कन्फ्लुएंस है, जो संगम है, उसको मेघना कहा जाता है। और ये दोनों साथ मिलकर वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो बुक है, मसीहा मोदी टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन, तो ये लिखी है तवलिन सिंह ने, और ये क्या है, एक पॉलिटिकल रिपोर्टर और राइटर हैं। गर्ल विमेन अदर, ये जो बुक है काफ़ी इंपॉर्टेंट, हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी है बर्नार्डिन एवरिस्टो ने, ठीक है, जिसके लिए इनको 2019 का बुकर पुरस्कार भी दिया गया है, बुकर प्राइज भी इनको दिया गया है 2019 का, ठीक है। ये एक ब्रिटिश ऑथर है और शी इज़ द फर्स्ट ब्लैक पर्सन टू विन दिस प्राइज, ठीक है, पहली ब्लैक पर्सन है जिनको एक प्राइज दिया गया है, बर्नार्डिन एवरिस्टो, जो बुक है गर्ल वुमन एंड अदर के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थिंक एंड ग्रो रिच, जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी है नेपोलियन हिल, जो कि एक अमेरिकन ऑथर है। क्या नाम है बुक का, थिंक एंड ग्रो रिच, ठीक है। अगला देखते हैं द इंग्लिश पेशेंट जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये बुक लिखी है माइकल ऑन्डट जी, ठीक है, और उनको 2018 में जो है गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार भी दिया गया है। किसको, माइकल ऑन्डट जी को, द इंग्लिश पेशेंट के लिए। नेक्स्ट देखते हैं एन अनसुटेबल बॉय, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो आंसर है इसका करण जौहर। द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, तो बेसिकली सभी को पता होगा इस बुक के बारे में, और इसके जो राइटर हैं वो कौन है, कौन है इसके राइटर, स्टीफन हॉकिंग्स, ठीक है, इंग्लैंड के हैं ये, काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स में इनका नाम है, सभी को आपको पता होगा, ओके। सो जो बुक है द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। हिट रिफ्रेश जो बुक है इसके लेखक कौन है, तो इसका जो आंसर है वो है सत्या नडेला, ठीक है। सत्या नडेला कौन है, तो इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन है, करंटली ही सर्विंग एज अ सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। हिट रिफ्रेश बुक इन्होंने लिखी है, इनके साथ साथ में जो को राइटर्स हैं वो हैं, उनके नाम भी आपको बिल्कुल याद रखना है, जिल ट्रेसी निकोल्स, ठीक है, और ग्रेग शॉकी, ठीक है, इन तीनों ने मिलकर बुक लिखी है हिट रिफ्रेश। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, अब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन तो नहीं है, सो हम देखते हैं 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा द साउथ अफ्रीकन लेगेसी, ठीक है। सो ये बुक किसने लिखी है, ये लिखी गई है फ़कीर हसन के द्वारा। समझ में आ ही रहा है किसके बारे में है ये बुक। अब ब्लू वाटर्स अहॉय, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है मिस्टर अनूप सिंह के द्वारा। द डायरी ऑफ मनु गांधी, इस पुस्तक के लेखक कौन है, त्रिदीप सुहरूत, ठीक है। द डायरी ऑफ मनु गांधी किसके द्वारा लिखी गई, त्रिदीप सुहरूत के द्वारा। सियासत में सदस्यता जो है ये लिखी गई है विजय कुमार चौधरी के द्वारा। रॉ, अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया कॉवर्ट ऑपरेशन, तो रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है। अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया कॉवर्ट ऑपरेशन, ये जो लिखी गई है ये लिखी गई है अतीश यादव के द्वारा। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, हमारे जो पहले रॉ ऑफिसर रहे हैं उनका नाम काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा। फाइंडिंग द गैप्स जो बुक है इसके लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं साइमन टॉफल, ठीक है, फाइंडिंग द गैप्स। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो पी पट्टावी राम, क्या, ठीक है, जो वी पट्टावी राम है वो लेखक है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स के। बिकमिंग किसकी पुस्तक है, तो ये है मिशेल ओबामा की, और अभी हमने देखा था बिकमिंग गांधी किसकी बुक थी, अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले ही हमने ये बुक के बारे में डिस्कस किया था,
तो वो आपको कमेंट करके बताना है। द गर्ल इन रूम 105, द गर्ल इन रूम 105 के लेखक चेतन भगत। चेतन भगत की काफ़ी ज़्यादा नोबल्स और बुक्स जो हैं वो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। बीइंग गांधी बुक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी पारो आनंद ने। हु विल क्राई वैन यू डाई, हु विल क्राई वैन यू डाई जो बुक है ये लिखी गई है रॉबिन शर्मा के द्वारा। ऑफ काउंसिल द चैलेंज ऑफ द मोदी जेटली इकोनॉमी ये पुस्तक लिखी गई है अरविंद सुब्रमण्यम के द्वारा, ठीक है। रिलेटेड टू इकोनॉमिक समझ में आ ही रहा है। अ रूरल मैनिफेस्टो बुक किसने लिखी है? रूरल मैनिफेस्टो फिरोज वरुण गांधी ने। द शेरशाह ऑफ कारगिल कैप्टन विक्रम बत्रा, ठीक है, कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में ये बुक है जो रिलेटेड टू द कारगिल वॉर, सभी को पता होगा इनके बारे में, तो ये बुक लिखी है दीपक सुराणा ने। गर्ल पावर इंडियन वुमेन हु ब्रोक द रूल्स, गर्ल पावर इंडियन वुमेन हु ब्रोक द रूल्स के जो लेखक हैं वो हैं नेहा जे हीरा चंदानी, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। फेस्टी एट 50 जो बुक है किसने लिखी है? तो सुधा मेनन ने, सुधा मेनन के द्वारा फेस्टी एट 50 बुक लिखी गई है। ब्रिजिटल नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो एन चंद्रशेखरन और रूपा पुरुषोत्थामन, ठीक है, एन चंद्रशेखरन रूपा पुरुषोत्थामन इन दोनों के द्वारा जो बुक है ब्रिजिटल नेशन लिखी गई है, तो शी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। द डायरी ऑफ अ डोमेस्टिक दीवा, द डायरी ऑफ अ डोमेस्टिक दीवा लिखी गई है शिल्पा शेट्टी के द्वारा, सभी जानते हैं इनको। मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया जो बुक है किसने लिखी है? तो विवेक दिब्रॉय के द्वारा जो है मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया बुक लिखी गई है। वाई आई एम अ हिंदू ये जो बुक है ये किसने लिखी है? शशि थरूर। एन एरा ऑफ डार्कनेस भी इन्हीं की बुक थी, तो ये दोनों आपको याद रखनी है। कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी ऑफ डीक्लासिफिकेशन ये बिल्कुल आपको याद रखना है, इकबाल चंद मल्होत्रा और मारूफ रजा दोनों के ही द्वारा कंबाइनली ये बुक लिखी गई है। लेसन्स लाइफ टॉट मी अनोइंगली, ठीक है, तो ये जो बुक है ये लिखी है अनुपम खैर ने, ये भी याद रखिए। विशेष कोड टू विन, ठीक है, विशेष कोड टू विन जो बुक है ये लिखी गई है निरुपमा यादव के द्वारा। चेंजिंग इंडिया, चेंजिंग इंडिया जो बुक है ये लिखी है हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मनमोहन सिंह उनके द्वारा। और लास्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है अमेजिंग अयोध्या, रिलेटेड टू अयोध्या सभी को पता होगा, तो ये जो लिखी गई है ये लिखी गई है नीना रॉय के द्वारा, ठीक है। अमेजिंग अयोध्या जो बुक है किसने लिखी है? तो ये लिखी है नीना रॉय ने। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए, तो इसको पूरा देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।